पवन सिंह के शासन से दिया था मोदी, काहे नहीं लड़े, काहे नहीं लड़े। हाँ, हम लोग सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह का आप वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, वोट नहीं देंगे। क्या किस कारण से नहीं दीजिएगा? बस मोदी, मनली मोदी, मोदी के समर्थन में है। अच्छा, पवन सिंह का दबदबा यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे जनसंपर्क करते हुए पावर स्टार पवन सिंह यहाँ पे पूरा काफिला जाते हुए और यहाँ पे सारे जनताओं का यहाँ पे भीड़ जमावड़ा लगता हुआ, और इन लोगों से हम कुछ बात करने का कोशिश करेंगे, इन लोगों का रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे, ओपिनियन लेते हैं क्या बोलते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी के बारे में। तो चाचा, सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल पे आप जी। क्या लगता है, पावर स्टार पवन सिंह जी पहली बार काराकाट चुनाव लड़ रहे हैं, वो पहले सिंगिंग लाइन में थे, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है राजनीति में, क्या लगता है वो जीतेंगे या नहीं? मतलब वो तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनका कोई छाप दल नहीं है? कोई छाप दल नहीं, फिर भी हम लोग मोदी के काम काज से हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत काम किए हैं। जैसे अयोध्या मंदिर हुआ, अयोध्या श्रीनगर कश्मीर धारा 370 मतलब हटा दिए, मैंने वो पूरे विदेश मतलब कि विदेश में भारत की बहुत राम रोशन किए हैं, नाम रोशन किए हैं। तो हम लोग मोदी के काम काज से खुश हैं, कोई भी हो हम लोग को मोदी चाहिए, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। ये तो निर्दलीय लड़ रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह जी, फिर भी निर्दलीय है, फिर भी हम लोग मोदी को देख रहे हैं। हम लोग सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह का आप वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, वोट नहीं देंगे। क्या किस कारण से नहीं दीजिएगा? बस मोदी, मनली मोदी, नरेंद्र मोदी। क्या है मोदी जी में? मोदी बहुत बोले ना कि अयोध्या में इतनी सालों से चल रहा था हिंदू मुसलमान, इतना दंगा हुआ, फसाद हुआ, मोदी ने सारी समस्या का समाधान पवन सिंह के शासन से दिया था मोदी, काहे नहीं लड़े, कहीं नहीं लड़े। हाँ, यहाँ यहाँ पे चाचा का खतरनाक सवाल, तब आराम से तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी का गुस्सा यहाँ पे निकल रहा है सारे जनताओं का। और हम यहाँ पे गांव में क्या गांव का नाम है, यहाँ सुनवर्सा गांव में है, यहाँ पे सारे जनता का ओपिनियन देखने को मिला। यहाँ पे क्या लगता है पावर स्टार पवन सिंह जी का, आपका सपोर्ट रहेगा या नहीं? बीजेपी का सीटिंग बढ़िया नहीं हुआ, यहाँ पे किनका सपोर्ट है पावर स्टार पवन सिंह जी का, किसी का है? वोट अच्छा गिरेगा ऐसा बात नहीं है, बीजेपी का सीटिंग बढ़िया नहीं हुआ है। तो काराकाट में तो उपेंद्र कुशवाहा लड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा लूज होंगे, अभी लूज होंगे। हाँ, जहानाबाद और काराकाट दोनों लूज होगा। अच्छा, राजा राम बीजेपी का सीटिंग बढ़े, वो तो चुनाव में त्रिकोणीय रहेगा, बीजेपी का पहला स्थान में टूटेगा। क्या उनका मतलब वोटिंग पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्या वोट कटने वाला है? अभी नेता बहुत बढ़िया है, वोट तो पड़ेगा, असर तो है, ऐसा बात नहीं है। वो तो सिंगिंग लाइन में है भैया, उसी राजनीति का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बीजेपी का सीटिंग बढ़िया नहीं हुआ है, तो आसनसोल से लड़ने वाले थे, उनको वहां से नहीं मिला। बीजेपी का पुराना नेता था, वो फिट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, कोई कारण होगा ना? कारण तो बीजेपी का मकसद नेता लोग बताएंगे, इतने बड़े कलाकार हैं, इतने बड़े पावर स्टार हैं, क्यों नहीं मिला भाई, आसनसोल से नहीं मिला उनको। और ये भी है कि वो अपने गृह घर से नहीं लड़े, बाबू आराम से। पवन सिंह का यहाँ अच्छा मैंने प्रभावित है, ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब जैसे निकालने में सक्षम होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सारे लोगों से मिल रहे हैं, क्या उनका स्वभाव आपको देखने को अच्छा मिला? कहना वो स्वभाव बहुत अच्छा है, इसमें तो मैं बहुत बेटर है। उससे पहले कोई और उनके विपक्षी नेता आए यहाँ मिलने के लिए? अभी तक तो कोई आया नहीं है, यहाँ कोई नहीं आया। पावर स्टार पवन सिंह जी यहाँ आए हैं, मतलब लगातार ये जम करके मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इनको रिस्पॉन्स बढ़िया मिलेगा आने वाला समय, ऐसा बात नहीं है। हाँ सर, आप जहानाबाद के यहाँ कैसे चले आए? आप पूछ रहे हैं यहाँ यहाँ बांध के कैसे कह रहे हैं कि पवन सिंह का यहाँ बहुत बढ़िया आती है? पवन सिंह का से एक वोट, यहाँ एक नहीं वोट मिलने वाला है, पवन सिंह का राजनीति समाप्त होने वाला है। भूमिहार के यहाँ आप कैसे आ गए, ये न बताइए, आप यहाँ कैसे आ गए, यहाँ आन के आप मीडिया के सामने बोल रहे हैं इस गांव के बारे में? पूछ रहे तब बोल रहे हैं, नहीं तो आप बीच में घुस गए, आदमी यहाँ से चिन्ह रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। क्या लगता है अंकल, यहाँ पे पावर स्टार पवन जी का काफिला यहाँ चला? नहीं, पवन जी का काफिला है, ठीक है, लेकिन काफिला चले, लेकिन यहाँ पवन जी का कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। मतलब किस कारण से आप मतलब उनको नहीं देखना चाहते? देखना ऐसा क्या है, देखना ऐसा नहीं है कि देखना नहीं चाह रहे हैं, समझे ना, आदमी अच्छे हैं, लेकिन हम लोग भाई देखिए अभी मोदी जी का, देखिए पवन जी जो उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से एनडीए का कैंडिडेट है, हम लोग उपेंद्र कुशवाहा को बढ़िया से समर्थन करेंगे, समझे ना, मोदी का लड़ रहा है, ठीक है, यहाँ किसी को वोट कोई नहीं दे रहा है। तो आसनसोल से भी तो वो लड़ने वाले थे, उनको नहीं मिला। देखिए कोई नेता, देखिए कोई नेता में जो है ना, नेता में किसी में कोई शक्ति नहीं है, यहाँ शक्ति है मोदी जी मां, मोदी जी जिधर डटी हिलावेंगे उधर वोट पड़ेगा। तो मोदी जी क्या करेंगे अगर कोई विकास के नाम पे कुछ बता दीजिए, क्या विकास करने वाले? विकास नया विकास, कुछ नया विकास करने वाले? विकास तो बिजली है ही, रोड है, ये है, कुछ किसान के पैसा दिए रहे हैं, खेती के सारी सुविधा दिए रहे हैं, तो और विकास का लोन तोन दिए रहे हैं। अच्छा, मिला पढ़ाई लिखाई? हाँ, लोन मिलता। क्या करते हैं आप?
सारी खेती भी कर रहे हैं, लड़का के बच्चा उच्चा के पढ़ाना है, जितना रुपया मांगे उतना दिए रहे पढ़ाने के लिए, और का दी तन हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ का जनताओं से हमने रिव्यू लिया है, बहुत अपना अपना ओपिनियन दिए हैं। चलिए मिलते हैं और आगे हम लोग।